वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। इसमें हम लोग देखेंगे 3.4 का, देखिए मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, एक तो प्रतिस्थापन विधि, माने ए ओ के स्थान पर दूसरा सेट करना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। इसमें पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड, यानी होता है क्या है एलिमिनेशन मेथड, इसको बोलते हैं विलोपन विधि। क्या बोलते हैं? विलोपन विधि बोलते हैं। ये क्या बोला है भाई, विलोपन विधि आखिर क्या होता है? ठीक है, तो देखिए दो ठो समीकरण दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ समझिएगा 2x प्लस वाई, एक दे देगा वाई प्लस 3y बराबर, यहाँ पे मान लीजिए कि 4 दे दिया हो, यहाँ पे मान लीजिए कि 2 दे दिया हो, यहाँ पे समीकरण एक समीकरण दो। ध्यान से समझिएगा विलोपन विधि होता क्या, विलोपन विधि का रूल होता है कि देखिए पहला और दूसरा समीकरण दोनों में कोई एक करके कटा दिया जाता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए यहाँ 2x है, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ 3y है, ऐसा कोई उपाय कीजिए कि ये 2x है तो ये भी 2x हो जाए, ठीक है, या फिर ये अगर नहीं करे तो ये 3y है तो ये भी 3y हो जाए, मतलब ऊपर वाला नीचे वाला कोई एक सेम होना चाहिए, इसी को विलोपन विधि कहते हैं। ठीक है, क्या कीजिएगा उसके लिए बताइए, यहाँ पे 2x है तो इसको 2x बनाने के लिए सिर्फ 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा कि नहीं? यहाँ जाहिर सी बात है हो जाएगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर यहाँ हम 2 से गुणा करेंगे तो ये बराबर तो हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इसमें गुणा नहीं करते हैं, अगर गुणा करना होगा तो सब में 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ 2 से गुणा करते हैं। डायरेक्ट समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2 × 3 = 6 और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4। ठीक है, ऐसे हो जाता है। उसके बाद जब ये दोनों आपस में देखिए बराबर हो गया तो समीकरण एक में से 2 को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो जैसे हम घटाते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंबल चेंज, प्लस माइनस एक जैसा रहेगा तो कट जाएगा, ये 6y में से 1y जाएगा तो माइनस में 5y और ये 4 में से 4 जाएगा तो 0, y बराबर e आ जाएगा बट्टा में तो 0 / -5 हो जाएगा और y बराबर आपका आ गया 0। फिर y का मान लीजिएगा समीकरण एक में भर दीजिएगा या दो में, तो आपका क्या निकल जाएगा? पूरा का पूरा वैल्यू x का निकल जाएगा। यही है आपका विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होता है, कैसे हम लोग देखेंगे? तो देखिए दोनों को बराबर करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे था क्या हमारा x था और यहाँ पे था आपका 3y और यहाँ पे था 2, यही था। और इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, हमको दोनों को बराबर, अगर इसको बराबर करना चाहते हैं तो 3y यहाँ पे, y यहाँ पे, तो 3 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जब गुणा आप कीजिएगा, देखिए इसको भी हम बना रहे हैं, जब इसको आप गुणा कीजिएगा समीकरण दो ये है तो ये हो जाएगा कितना, 3 × 2 = 6x प्लस में 3y और फिर 3 × 4 = 12, गुणा करेंगे तो सब में करेंगे। ये वाला समीकरण दो ऐसे ही लिख दीजिएगा, x प्लस 3y बराबर 2। बताइए ये दोनों बराबर हो गया कि नहीं? तो जब बराबर हो जाता है तो कटाना आसान हो जाता है। इसको दोनों को घटाइए, ये वाला में से अगर 3y में से 3y घटेगा तो 0, इसका कहानी खत्म हो जाएगा, तो ये ना बचेगा, तो एक ठो बचता है तो वैल्यू निकल जाता है। तो यहाँ मान लीजिए कि आपका 1 2 हो गया तो इसको 3 और 4 भी तो मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, 3 में से 4 को घटाने पर जब ये दोनों को आप घटाइएगा, ये लैंग्वेज लिखना पड़ता है कि समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, तो जैसे ही आपको आए कि 3 और 4 में से घटाने पर आए तो सिंबल बदल जाता है, ये प्लस में है यहाँ माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, ये एक जैसा है, प्लस माइनस कट गया प्लस में। अब देखिए कोई पूछेगा ये 3y किस में है, तो 3y अब प्लस में नहीं, अब किस में हो गया, ये माइनस में हो गया है। ठीक है, तो प्लस में 3y या माइनस में 3y कट गया, यानी कि 3 में से 3 जाएगा 0 हटा दो, 6x में से 1x जाएगा तो 5x और ये हो जाएगा 12 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा आपका 10। ठीक है, अब ये 5 × 2 = 10, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, जब x बराबर 2 आ गया तो वो समीकरण एक में भर दीजिए x का मान। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो x का मान 2, जब ये ले जाकर यहाँ पे भरेगा तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4। ठीक है, और इधर भेज दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए x का मान समीकरण एक में मान लीजिए कि रखने पर हो गया, अब यहाँ एक क्या है 2x + y = 4, 2x का मान कितना आया है, 2 आया है, प्लस वाई बराबर 4, 2 × 4 प्लस वाई बराबर 4, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 4 − 4 ये कितना हो जाएगा, वाई बराबर 0। बताइए एक बार, उस समय जब हम इसको बराबर किए थे तो वाई का मान 0 आया था ना, देखिए कोई बराबर कीजिए, ये दोनों बराबर कीजिए, नहीं तो ये दोनों बराबर कीजिए। बराबर कैसे करेंगे, देखिए किस चीज़ की कमी है, ये हम क्यों बराबर किए हैं, यहाँ 3 की कमी है, अगर 3 लिख देंगे तो दोनों 3y हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट एक में पर्सनल नहीं लिखते हैं, गुणा करेंगे तो सब में 3 से गुणा करेंगे, भले सब में करेंगे तो 3 × 2 = 6
आ गया, ये हो गया 3y और ये 3 × 12 आ गया, उससे मतलब नहीं है, हमको जो बराबर लाना है सिर्फ वो चीज़ देखना है, और इस हिसाब से हमारा x और y का मान निकल गया। यही है विलोपन विधि एलिमिनेशन मैथड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस समझ में आया होगा। अब एक काम कीजिए, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। और आप टेंशन मत लीजिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ जो भी ये जितना भी मेथड है, प्रतिस्थापन विधि आएगा, आपका विलोपन विधि आएगा, वज्रगुणन विधि आएगा, ये तीनों विधि का एक मास्टर वीडियो बना करके इतना डीपली और आसान और ट्रिक के साथ समझा देंगे कि आपको इसमें डाउट नहीं रहेगा। तीनों विधि पढ़ लेंगे आप, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर, समीकरण आपका एक ये है, दो ये है, ठीक है। अब बताइए हमको कौन सा विधि लगाना है, एलिमिनेशन मेथड। वैसे इसमें बोल क्या रहा है कि जो आपको बेहतर विधि लगे, अच्छा विधि लगे, यानी एलिमिनेशन मेथड अगर अच्छा लग रहा है या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा है, दोनों में से कोई एक विधि से बनाइए या फिर दोनों विधि से आप बनाइए, आपकी मर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड यानी कि क्या विलोपन विधि यूज करते हैं। अब बताइए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक्स प्लस वाई बराबर 5 और यहाँ लिखा है 2x − 3y = 4। विलोपन विधि का रूल क्या है कि किसी को बराबर कीजिए, हम यहाँ x को बराबर करते हैं, यहाँ लिखा है 2x, यहाँ लिखा है x, करेंगे क्या, अगर यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 2x और ये भी हो जाएगा 2x, और ये बाद में क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन गुणा यहाँ नहीं करते हैं, एगो में नहीं करते पर्सनल, इसमें करते हैं, ठीक है, गुणा करके तब घटाते हैं, यानी इसमें 2 से गुणा करेंगे और तब हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे, देखिए इसका लैंग्वेज लिखना पड़ता है, समीकरण एक में 2 से गुणा कर, गुणा कर समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर। देखिए लैंग्वेज हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले इसको 2 से गुणा कर लेना है, गुणा करने के बाद से इसमें से ये क्या करेंगे, घटाएंगे, 2 से गुणा अगर यहाँ पे कीजिएगा कितना होगा, 2x प्लस 2 में y से तो 2y = 5 × 2 = 10, सब में गुणा हुआ, इसमें रहने दीजिए 2x − 3y = 4, ऐसे ही उतार दे, दोनों को घटाना भी तो है, तो घटाएंगे तो सिंबल चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में रहता है तो क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा, 2y और प्लस में 3y तो 2 और 3 = 5y, बराबर में क्या हुआ, 10 में से 4 जाएगा, ये देखिए 10 प्लस में है माइनस में 4 है तो हो जाएगा 6y, बराबर क्या हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा ये 6/5, जब y का मान 6/5 तो x का मान कैसे निकलेगा, y का मान ले जाके या तो समीकरण 1 में रखिए या फिर समीकरण 2 में रखिए, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे y का मान, देखिए ये भारी नहीं है, आपको डीपली इसको समझते चलना है, वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है, x + y = 5, एक्स के जगह पर x लिखिए, y क्या है तो y के जगह पर 6/5 = 5 है, ठीक है, ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ अकेले x बचेगा और ये हो जाएगा 5 − 6/5, बट्टा एक मान के आप यहाँ बट्टा का जोड़ घटाव कर लीजिए, घटाव है तो घटाव कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 5 × 5 = 25 − 6, x = 25 में से चलेगा 19/5। ये कौन सा मेथड है आपका, एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि। यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, ऊपर इसके ऊपर लिख लीजिएगा यहाँ पे विलोपन विधि, क्या लिख लीजिएगा, विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा बना रहे हैं, यानी प्रतिस्थापन विधि द्वारा बना रहे हैं, वो क्या है तो आपको हम बताए थे x + y = क्वेश्चन ही ना 5 और दूसरा क्या है आपका 2x − 3y = 4, समीकरण एक ये है और ये 2 है, ठीक है। और यहाँ पे विलोपन विधि तो आपको बता चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है कि एगो का मान निकालिए, दूसरा में ले जाके भर दीजिए, समीकरण एक ये है और समीकरण 2 ये है, तो प्रतिस्थापन विधि, देखिए इतना आंसर तो वही आएगा, ठीक है। समीकरण एक से हम चलते हैं, समीकरण एक से, ठीक है, x + y = 5, कैसे तो x का मान निकालिए, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 5 − y, x का मान क्या आया,
फाइव माइनस वाई कैसे आया, ये प्लस में था इधर गया तो माइनस में वाई हो गया, एक्स का मान आ गया। प्रतिस्थापन विधि इसी को तो कहते हैं, एगो का मान निकालना है। अब एक्स का मान ले जाकर दो में भर दीजिए, एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, ठीक है, 2x माइनस थ्री वाई बराबर फोर। टू एक्स का मान क्या है, 2 तो लिख दिए, x का मान है 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई माइनस थ्री वाई बराबर फोर, बाकी उतार दिए। पाँच दो में दोनों से गुणा होगा, 5 दूना 10 माइनस टू वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर, 10, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, बराबर में आया है यहाँ पे 4 आया है, ठीक है 4 ही है। यहाँ देखिए नंबर को नंबर के पास भेजिए, ये है किस में, प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ सिर्फ माइनस 5 बचेगा। किसको हम बोल रहे हैं प्लस में है, 10 प्लस में है, 5y माइनस में है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है 4 माइनस 10 5y हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा माइनस में हो जाएगा आपका 6, ठीक है माइनस से माइनस खत्म, y बराबर 5 बट्टा में आ जाएगा तो 6 बट्टा 5। देखिए y बराबर क्या आया, 6 बट्टा 5। इस विधि से आपका y बराबर कितना आया, x बराबर 19 बट्टा 5 और y बराबर भी 6 बट्टा 5। दोनों विधि से आंसर वही होगा, बस विधि अलग है। विलोपन विधि में दोनों में से कोई एक बराबर करके काटते हैं और प्रतिस्थापन में एगो का मान निकालते हैं, दूसरे में ले जाके भर देते हैं, ठीक है ये आपका क्या है, प्रतिस्थापन विधि है। और वाई का मान भर दीजिए, ये तो दोनों में काम करना है, एगो अगर मान निकल जा रहा है तो ले जाकर दूसरे में भरना है। वैसे ही देखिए वाई का मान निकल गया, समीकरण एक में भर दीजिए वाई का मान, y का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है तो y क्या है बाबू, एक यहां पे समीकरण एक है, x प्लस वाई बराबर 5 है, ठीक है अब यहां से y का मान कितना, x प्लस वाई का मान है 6 बटा 5 बराबर 5, ये हो जाएगा प्लस में, इधर आएगा तो क्या है माइनस में हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस 6 बटा 5, x बराबर ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25 माइनस 6, x बराबर 19 बटा 5, x का मान आ गया 19 बटा 5। और देखिए इसमें भी आया है, प्रतिस्थापन में भी सेम आया है, अविलोपन में भी सेम आया है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद से हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम सिर्फ इसमें आपको विलोपन विधि बनाएंगे और आपके लिए वर्क है ये कि आपको इसका प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको खुद बनाना है। हम विलोपन विधि लाइन बाय लाइन बना रहे हैं, क्वेश्चन आपको सबसे आसान दिखेगा, ठीक है क्योंकि मेथड आपको पता है तो क्वेश्चन आपको भारी नहीं दिखेगा। बिना देर की हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ सेकंड नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आखिरकार उसी विधि से, कौन सी विधि, तो इसका नाम है इसका विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड। देखते हैं क्या करना है, बताए थे आपको किसी एक साइड को क्या करना है, दो ठो यहाँ पे दिया है ना वेरिएबल यानी चार दो ठो दिया है, दोनों में से किसी एक को बराबर कर दीजिए, ठीक है एक चीज आपको बता दे थोड़ा सा। देखिए कभी कभी क्या होता है, आपको कैसे पता चलेगा, कभी कभी इक्वेशन ऐसा आएगा जिसमें बोला जाएगा समीकरण एक और दो को घटाने पर, तो आप सिंबल को बदल दीजिएगा। कभी कभी लिखेंगे यहाँ पे समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, तो सिंबल ही नहीं बदलते। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे अगर हम दे रहे हैं एक्स प्लस वाई, यहाँ दे रहे हैं एक्स माइनस वाई, ठीक है अगर ऐसे दे रहे तो यहाँ समीकरण एक और दो को घटाने पर कीजिएगा, तो देखिए क्या होगा, ये घटाएंगे तो इसका तो सिंबल चेंज होगा, प्लस में है तो माइनस में, आई है माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में, ये कट जाएगा और ये एक वाई कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए कि कोई भी नंबर हो, ठीक है तो यहाँ घटाइएगा तो 4 में से 3 जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा। इस मेथड से आप बनाएंगे, लेकिन अगर एक काम और आप कर सकते हैं, आप बिना सिंबल, जब कहिएगा समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तभी सिंबल बदलता है, लेकिन जब आप बोलेगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो किसी का सिंबल नहीं बदलेगा। जोड़िए इसको, एक्स एक ठो है और एक एक्स ठो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, आई एक ठो प्लस में एक ठो माइनस, तो ई वाला कट जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि देखिए जोड़ने पर कोई सिंबल नहीं बदलता है, जो सिंबल रहता है वही ओरिजिनल सिंबल बन के रह जाता है, लेकिन घटाने पर जो नीचे वाला सिंबल होता है माइनस का वो प्लस हो जाएगा, जो सिंबल होगा उसका बदल जाता है वो सिंबल, ठीक है। क्या करने पर, घटाने पर बदलता है, जोड़ने पर नहीं बदलता है, ये याद रखिएगा, ये बदलेगा यानी बदलना इस पर तय है, ये नहीं बदलेगा, ठीक है ये नहीं बदलेगा, याद रखिएगा जोड़ने पर कभी नहीं बदलता, जो सामने दिखता है, तो सामने क्या है प्लस है माइनस है, तो आपको तो पता होना चाहिए कि एक प्लस में हो और एक माइनस में हो और सेम दिखे तो क्या करेंगे काट देंगे। ये काटते क्यों है, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस को काटते नहीं है, रियल रूप में तो इसको घटाते हैं, जब एक प्लस में रहता है एक माइनस में रहता है तो वाई में से वाई जाएगा जीरो,
खत्म हो जाता है। तो ये जीरो लोग नहीं लिखते, कटाया जाता है, इसीलिए इसको भी कटा दिया जाता है। इसको इसके बदले आप जीरो लिख के क्या कीजिएगा, कोई फायदा नहीं होता है। तो ये चीज़ हमको याद रखना है कि जब भी जोड़ने का बात करें तो कोई सिंबल नहीं बदलेंगे, और घटाने पर बदलता है। देखिए माइनस एक बहुत ऐसा मतलब घटिया चीज़ है, सिंबल है, कहीं पर लगेगा उसका नक्शा बदल देगा, माइनस, ठीक है, मनहूस नंबर है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत ही मनहूस होता है। जहाँ लाएगा वहाँ से समझो कि मनहूसियत छा जाएगा, पूरा का पूरा सिंबल सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। अब देखिए समीकरण एक आपका ये है और समीकरण दो ये है, क्या कीजिएगा, आपको बनाना है कौन सा विधि, विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मैथड, विलोपन विधि, ठीक है। हम एक ठो विधि बनाएंगे, आपको और सब विधि बनाए। विलोपन विधि में क्या करना है, या तो इसको बराबर कीजिए, नहीं तो इसको बराबर कीजिए। इस बार हम लोग इसको बराबर करते हैं, ठीक है, इसको भी आप कर सकते हैं। यहाँ तीन से गुणा कीजिएगा, यहाँ दो से, तो तीन दूना छः और दो तिहाई छः हो जाएगा, ये भी हो सकता है, लेकिन इस बार हम इसको बराबर करते हैं, ठीक है। ये चार वाई है, यहाँ पे दो वाई है, कितना से गुणा करेंगे कि चार हो जाएगा, तो अगर दो में दो से गुणा करेंगे तो दो दूना कितना हो जाएगा, चार, तो पूरा में गुणा करते हैं दो। तो समीकरण यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं, समीकरण करण दो में दो से गुणा कर समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, ठीक है। यहाँ क्या है, थ्री एक समीकरण एक उतार दीजिए, क्योंकि समीकरण एक में कोई हम लोग काम नहीं किए। एक गुणा कीजिए, दो दूना चार एक्स माइनस दो दूना चार वाई बराबर दो दूना चार, ठीक है। यहाँ सिंबल नहीं बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि यहाँ जोड़ने पर आया है। सिंबल एक ही कंडीशन में सब कुछ बदल जाता है, क्या, जब हम लोग उसको घटाते हैं, माइनस करते हैं। इंसान तभी बदलता है जब वो प्रोग्रेस से नीचे आने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही होगा, देखिए घटाइए, जोड़िए, जोड़ने पर ना, तो जोड़िए तो तीन और चार कितना हो जाएगा, सात एक्स हो जाएगा। और ये चार में से चार जाएगा तो ये खत्म हो जाता है, जीरो नहीं लिखा जाता है। और ये दस और चार कितना हो जाता है, चौदह। x का मान निकालना है तो सात को नीचे भेज दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा चौदह बट्टा सात, सात दूना चौदह, x बराबर आया दो। जब x बराबर दो तो x का मान या तो एक में रखिए, नहीं तो दो में रखिए। देखिए जब भी यहाँ मान निकलेगा ले जाके x में रख दीजिएगा, या दो, मतलब जहाँ पे एक में रखिए या दो में रखिए, आपकी मर्जी। तो x का मान समीकरण एक में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू टेन, वैल्यू भरिए, एक्स का मान दो भरना है, जहाँ एक्स दिखेगा वहाँ दो भरिए, थ्री एक्स का मान भर दीजिए दो प्लस में फोर वाई इज इक्वल टू टेन, तीन दूना कितना हो जाएगा छः, फोर वाई इज इक्वल टू टेन, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में ये हो जाएगा फोर वाई बराबर टेन माइनस सिक्स, फोर वाई बराबर हो जाएगा दस में से छः हो जाएगा चार, y बराबर हो जाएगा चार बट्टा चार, चार एकम चार, वाई बराबर वन, आपका y बराबर आया वन, x बराबर आया टू, ठीक है। तो ये कौन सा विधि था, विलोपन विधि था, और आपको बनाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, यानी प्रतिस्थापन विधि। क्वेश्चन यही रहेगा, आपको खुद से बनाना है, ठीक है, ताकि आंसर इसका यही आना चाहिए। तो हम लोग बिना देर के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ फिर से देखिए वही क्वेश्चन सेम है, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा बकलोल बनाने की कोशिश किया है, यानी थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कैसे किया है देखिएगा, लेकिन हम लोग तो बेवकूफ़ बनने वाले हैं नहीं। देखिए यहाँ पे कैसे, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आपको समीकरण की तरह नहीं दिख रहा है। समीकरण में इक्वेशन में क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण यहाँ दिख रहा है, अच्छा बात है, लेकिन हम लोग का इक्वेशन उस समय से कैसे बना रहे हैं, एक जगह एक्स था उसी साइड वाई था, अब बराबर के इधर नंबर था, यही ना था, वैसे रहने पर क्वेश्चन आसान हो जाता है, आसानी से बन जाता है। तो वैसे ये तो दिया नहीं है, थोड़ा सा बकलोल बनाने की कोशिश किया, बेवकूफ़ बना रहे हैं, और देखिए बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो हम लोग इसको कभी कैसे कभी बेवकूफ़ बनाते हैं, अभी बना रहे हैं। एक काम कीजिए, समीकरण बनाना तो ये लिखिए 3x माइनस 5y, ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, समीकरण एक बन गया। इसमें क्या करना है, इसको भी समीकरण बनाना है, दो को इधर ला दीजिए तो 9x होगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये मत कहिए कि ये सर कहाँ प्लस में है, जिसके आगे कुछ नहीं होता है उसके आगे प्लस ही पर आता है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2y हो जाएगा, और इधर सिर्फ क्या बचेगा अकेले 7, समीकरण दो हो गया। अब आपको बताए थे हम, क्या बताए थे कि आपको बताए थे विलोपन विधि क्या होता है, या तो इन दोनों को बराबर कीजिए, नहीं तो इन दोनों को बराबर कीजिएगा, ठीक है। इसको भी आप बराबर कर सकते हैं, कैसे, यहाँ कर दीजिए पाँच से गुणा,
यहाँ कर दीजिए दो से गुणा, पाँच दूना दस और दो पचे दस, दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन हम लोग को आसान रहेगा यही गुणा करने में, नौ यहाँ पे तीन से सिर्फ गुणा कर दीजिए, आप दोनों को बराबर आएगा, काट दीजिएगा। कैसे? दोनों को घटाने पर। एनीवे समझ नहीं आएगा, बना रहे हैं तो समझ आ गए। देखिए कैसे, यहाँ देखिए समीकरण, इसमें हम तीन से अगर गुणा करेंगे तो थ्री थ्री जनानी हो जाएगा। समीकरण एक में तीन से गुणा कर समीकरण एक में से दो को घटाने पर, पहले गुणा कर लेंगे जो आएगा उसको घटा लेंगे। तीन में तीन से तो तीन त्रिका नौ एक्स माइनस तीन पचे पंद्रह वाई बराबर तीन चौका बारह, आइए क्या है आपका नाइन एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू सेवन। घटाने पर तो बताए थे कि जब भी घटाने का बात करेगा ठीक है सिंबल बदलेगा, ठीक है तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, खत्म। पंद्रह में से दो जाएगा तो आपका माइनस में तेरह वाई, ये बारह में से सात जाएगा पाँच वाई बराबर, जिसका मान निकालते हैं उसको अलग रखते हैं, सिर्फ वाई बचा तेरह। इसके बीच में क्या छिपा रहता है गुणा, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा यानी बट्टा में, पाँच बट्टा में तेरह माइनस ले जाएगा। ये मत दिमाग लेगा सर ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ अगर प्लस होता ना ऐसे माइनस तेरह या प्लस ऐसे कुछ होता तो माइनस में इधर जाता, यहाँ पे चार होता तो माइनस से इधर जाता तो क्या हो जाता प्लस हो जाता, यहाँ का है गुणा है तो पहले गुणा का काम हो रहा है ना, तो गुणा का काम हो रहा है तो वो भाग में जाएगा, वो सिंबल रहेगा ठीक है। वाई का मान क्या आया तेरह बटा पाँच, वाई का मान ले जाकर दोनों में से किसी एक में भर दीजिए, तो यहाँ लिखते हैं हम एक में भरते हैं। वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है यहाँ देखिए थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू फोर, ठीक है थ्री एक्स माइनस फाइव, वाई का वैल्यू क्या है पाँच बट्टा माइनस तेरह यानी कि ये माइनस में है पाँच बट्टा तेरह और बराबर में फोर, थ्री एक्स उतार दीजिए, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, पचास पच्चीस बट्टा में तेरह बराबर में चार, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, थ्री एक्स बराबर चार माइनस पच्चीस बट्टा तेरह, ठीक है थ्री एक्स बराबर ये हो जाएगा तेरह, तेरह चौका बावन माइनस हो जाएगा आपका पच्चीस, थ्री एक्स बराबर क्या हो जाएगा पच्चीस में से बावन जाएगा यानी बारह में से पाँच जाएगा तो सात हो जाएगा, चार में से दो जाएगा दो हो जाएगा, अब बट्टा में ये कितना हो जाएगा तेरह हो जाएगा। ये चाहे तो आप कटा सकते हैं, ऊपर ऊपर भी कटता है, तीन नवा सत्ताईस एक्स बराबर नौ बट्टा तेरह, ऊपर नौ बचा नीचे तेरह, तो एक्स बराबर ये आ गया आपका नौ बट्टा तेरह और ये वाई बराबर आ गया माइनस पाँच बट्टा तेरह। देखिए अगर आपसे कोई पूछेगा ये माइनस होता क्या है तो ऊपर भी मत लिखिए नीचे भी मत लिखिए, देखिए ऐसे भी तो हो सकता है ना, पाँच बट्टा तेरह है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लिखिएगा सब दोनों बात एक है, यहाँ लिखिए यहाँ लिखिए यहाँ लिखिए कहीं माइनस लिखिए सब बात एक ही है, इसलिए इसको चुपचाप से बीच में लिख दिया जाता है ठीक है। तो यहाँ पे दोनों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो बिना देर के सबसे पहले एक काम कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ठीक है, उस हिसाब से अंदर मोटिवेशन आता है। देखिए हर इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत है ठीक है। तो यहाँ हम लोग अब बिना देर के देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, अब यहाँ फोर नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डाउट मत, ये डाउट में मत जाइएगा कि बटा में दिया है तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा, ये तो और आसान है। देखिए आपको यहाँ पहले क्या दिख रहा है, कैसे सॉल्व की जाएगा इसको, क्या आपके दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन देख के, ऐसा लग रहा है कि पहले बटा का जोड़ कर लेते तो अच्छा होता ठीक है, क्योंकि बटा का जोड़ जैसा दिख रहा है ये घटाव जैसा दिख रहा है, तो वही काम कीजिए ना जो दिखता है, मैथ का यही रूल है, कन्फ्यूज नहीं होना कि ये बीच में कैसे क्वेश्चन आ गया ठीक है, जो दिखता है वही कीजिए। शुरू से ही हम लोग बचपन से बटा का जोड़ सीखते आ रहे हैं और वैसे ही दिख रहा है, क्यों बकसते, इसको भी हम लोग गुणा करेंगे, इसका एलसीएम लीजिए क्या होगा, तीन और दो का जब एलसीएम लीजिएगा तो नहीं लिख रहा था, ये तीन दूना छः हो जाएगा ठीक है, दो तिहाई छः ये थ्री एक्स हो जाएगा, अब प्लस तीन दूना छः दो हो जाएगा, दो दूना चार वाई, नहीं पल्ले पड़ा तो बट्टा का जोड़ सीखना पड़ेगा, इसमें इसमें भाग दिया जाता है, दो तिहाई छः तीन आया और तीन में दो तिहाई कितना हो गया छः और तीन में एक से गुणा करेंगे तीन एक्स, तीन दूना छः दो आया, भाग देने पर दो आया, दो में दो से गुणा तो चार इज इक्वल टू माइनस वन ठीक है। ये देखिए जब बीच में बराबर हो तो तिरछा तिरछी क्या करते हैं गुणा करते हैं ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस में छः यानी थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू छः एकम छः माइनस में छः,
समीकरण एक तैयार हुआ आपका, देखिए तो ये भी वही कर दीजिए बट्टा का जोड़, तो बट्टा एक मानिए इसका एलसीएम लीजिएगा थ्री होगा और ये कितना हो जाएगा आपका थ्री एक्स माइनस में वाई इज इक्वल टू थ्री, तिरछा तिरछी गुणा होगा तो ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वाई, तीन तरीका नौ समीकरण दो, समीकरण एक तैयार समीकरण दो तैयार। ठीक है, अब कौन सा विधि यूज करना है, ठीक है यहाँ हम पास में लिख देते हैं इसको, ठीक है या फिर रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को यूज करना है विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या कहता है कि दोनों के तरफ एक जैसा हम लोग करना है, लेकिन यहाँ खुशखबरी ये है कि यहाँ पे ये दोनों क्या है एक जैसा ही है, तो हम लोग को सिंबल या गुणा वड़ा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट समीकरण एक और दो को जोड़ने पर करेंगे तो हो जाएगा, यानी कि समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, नहीं जोड़िएगा मत, जोड़िएगा तो तीन और तीन छः हो जाएगा, समीकरण एक और दो को घटाने पर, यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे समीकरण एक और दो को घटाने पर, घटाने पर क्योंकि घटाएंगे तभी तो कुछ बदलेगा। यहाँ देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस सिक्स, दूसरा समीकरण है समीकरण एक, दूसरा क्या है 3x माइनस y इज इक्वल टू नाइन है, यहाँ घटाइए ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, चार वाई और एक वाई कितना वाई पाँच वाई, और ये छः और ये नौ, नौ छः कितना होता है पंद्रह होता है लेकिन माइनस में क्योंकि दोनों माइनस में है। ठीक है, ये हो जाएगा पाँच तिहाई पंद्रह वाई बराबर माइनस में तीन, जब वाई का मान आ गया माइनस तीन तो कहीं भर दीजिए, और वाई का मान आप एक काम कीजिए जो नया समीकरण बना है ना इसमें भरिए, वाई का मान आप भर दीजिए समीकरण दो में। ठीक है, एक और दो किसी में भी भर सकते हैं आपकी मर्जी। ठीक है, वाई का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो क्या है 3x माइनस वाई बराबर नौ, 3x माइनस वाई का मान क्या है वाई का मान माइनस तीन है तो माइनस में तीन, एक तो क्वेश्चन है का माइनस है, इसका माइनस है 3x माइनस माइनस क्या होता है प्लस में तीन इज इक्वल टू नौ, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3x बराबर नाइन माइनस थ्री, 3x बराबर 9 में से 3 जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 दूना 6, x बराबर 2, x बराबर आपका 2 आया और y बराबर माइनस 3 आया। तो ये विलोपन विधि क्या होता है, बस दो ठोस समान दिखना चाहिए, अब कटाना है तो देखिए दोनों ये प्लस में ही था तो दोनों प्लस में कौन चीज होगा 3 हो गया, 3 हो गया x प्लस में, तो इसको जोड़ेंगे तो हम लोग क्या इसको जोड़ना पड़ेगा ना 6x हो जाएगा, लेकिन समान चीज़ को हम लोग को कटाना है तो ए को होना चाहिए जोड़ में, ए को होना चाहिए घटाव में, तो इसके लिए हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे होता है प्लस में, यहाँ हो जाएगा माइनस क्योंकि सिंबल बदलता है। ठीक है, सिंबल बदलने अगर नहीं आ रहा है तो देखिए अगर यहाँ पे लिखा है x और यहाँ y, यहाँ लिखा है 2x, इसका सिंबल बदलना है कुछ नहीं है तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो जोड़ने पर कीजिएगा तो सिंबल नहीं बदलेगा, घटाने पर कीजिएगा तो ये प्लस में है ना तो नीचे हो जाता है माइनस, अगर यहाँ माइनस रहता ना तो यहाँ पे क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस उम्मीद करते हैं कि आपको चार नंबर यानी कि ये 3.4 का 1 का चारों क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा, तो फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मजेदार तरीका से लैंग्वेज वाला, तब तक के लिए जय हिंद।